रिश्तेदारी की दाव यारा प्यारा जीत क्या लग रहा है उनका काम में तो दिनेश दिनेश तुम्हें पता ले भाई बड़ी बड़ी बात बताई थी भाई अंकल ने कहा दिनेश ना अब बदपुर तो जीत क्या लग रहा है मजबूत फाइट भाई सुन लिया भाई दिनेश और रमेश दोनों सुन दे उन्हें रमेश खासकर सुनता हो नहीं बस दिनेश जीत के आने लग रहा है रमेश थी तो और भी ज्यादा सुनावा हमने नहीं बनाया था पछा जो मारिये बिल्ली हमने म्याऊ लग रही सबका वोट के तोड़ जाने लग रहा है मैं रमेश ने दे हुआ मेरे बालक दिनेश ने दे हुआ है अच्छा बगैर वोटा मिल गया क्यों बगाना था बार क्यों बढ़ता बिना मेरे कम जाए किसी गाड़ी ना हाथ में और कौन अगर लग गया और रही बात दिनेश की ठीक हमारा गांव मतलब राखी का है हम नतीसा रमेश और ईसाई दिनेश दो लेटेस्ट हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। फिलहाल हिसार डिस्ट्रिक्ट के वार्ड नंबर 28 से एक बार फिर आपके साथ जुड़ गया हाँ दिखाना चाहूंगा मैं राखी गढ़ी के अंदर मौजूद हैं फिलहाल और इस वक्त जानने की कोशिश करांगे जिला परिषद में कौन से मॉल हमारे यहाँ फिलहाल और के मॉल है। हाँ जी राम राम जी नाम बता दो आप नाम तो बता दो रामकेश जी रामकेश जी फिलहाल की बात करा जिला परिषद का सर्वे करने लग रहे हैं किसका के मॉल लगने लग रहा है आपके गांव में मुकाबला है रमेश टक्कर है भाई टक्कर जमा मुकाबला है। हाँ जी नाम बताओ एक बार रामकेश मेरा भी नाम रामकेश किसका के मॉल कांटे की टक्कर है जी कांटे की टक्कर जमा कांटे की टक्कर तो आपका गांव में जो यू पार्षद लड़ने लग रहे हैं जो दिनेश है इसका क्या तो मतलब करने लग रहे रमेश ज्यादा वोट ले हुआ वो तो वक्त बता होगा लेकिन उनके चले है तो गांव जो कर इकट्ठा करे अगर गांव इकट्ठा करके सहमति कितने वोट है इस गांव में बात करा दो फिलहाल गांव में हमारा 44-45 वोट है 44-45 कितने वोट ले लेगा यहाँ से दिनेश फिर भी दिनेश की बात करा दिनेश एक मिनट रोक लो गेम ने एक मिनट भाई तसना का ऐसा काम हो रहा है अबले बाड़ा ती ले अबले इतना तुम्हारा बैठा हूँ आपने बेरा वा सुनी होगी सारी बात है एक मिनट तो दे दो भाई सही तो नाई वाले बाल पसले के नागा होंगे अच्छा खुल के भी लोग को निकंदे अच्छा बाल कड़िया दे है बाप कड़िया दे है अच्छा आपका वोट के तोड़ जाने लग रहा है मैं तो रमेश ने दू हुआ मेरे बालक दिनेश ने दे हुआ है अच्छा बगैर वोटा मिल जाए क्यों बगाना था क्यों बड़का चलो धन्यवाद तऊ राम 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 भाई के नाम है रामकला इस गांव में कितने वोटर कौन ज्यादा वोट लेने वाला फिलहाल राखी गड्डी की बात करा दो 44-45 कौन ज्यादा वोट ले होगा फिलहाल रमेश ले होगा रमेश के खास बात आपके गांव में भी तो उम्मीदवार है भाई या प्रेस दिखा दे एक बार या गाड़ी के ऊपर को प्रेस दिखने लग रही या प्रेस रमेश ने बना रखी है 10 लाख रुपए तो यह वजह है तो आपका गांव वाला बनाया पछा आपका गांव वाला भी देता ग्रांट तो नहीं दे तो बनाया पछा यूज करोगे नहीं बरतोगे जो दे बेरा पटेगा के सरपंच में कह दे बोला बढ़िया छोरा है सरपंच भी तो और कौन अगर लग गए चलो धन्यवाद। हाँ जी तऊ जी राम 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 नाम बता दे जयवीर 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 जी पसीने ना रखे जाडम भी लोगां के सर्दी का मौसम में पसीने आ रहे लोगां के के मोल है फिलहाल की बात करा दो भाई रमेश जीतेगा मेरा अंदाजा में तो आपके अंदर मैं टक्कर भी नहीं कहता मतलब 99% जीता है रमेश का क्या तो जीतेगा की खास बात है ये मकान है काम गरीब आदमी का है उरे भी अंदा जंदा बैठ के होका पानी चाह पी के जाओ है और रही बात दिनेश की ठीक हमारा गांव मतलब राखी का है हम नतीसा रमेश और ईसाई दिनेश दोनों मतलब एक गोती है मैंने ले सोरण गोत के है और दिनेश ने तो नई नई उम्र के बच्चे जिंदा हूं जो कहता मैं दिनेश ने वोट दूंगा हमने भी कहता शायद दिनेश ने वोट दियो अच्छा तो पीछे हमने 2-3 जगह कवरेज करी है अच्छा, बढ़िया छवि है पिछले एडा हमारा सीएम मनोहर लाल खट्टर गांव का जो मांग प्रस्ताव एसडीएम नुगा दिनेश देवेगा मेले मांग पत्र हमारा गांव का मांग पत्र दिनेश क्यों देवेगा ये बात बताओ सीएम जब हमारा गांव में आवे है मांग पत्र एसडीएम नुगा दिनेश देवेगा मतलब मांग पत्र तो गड्ढेगा सीएम तो आपके हिसाब से किसने देना चाहिए था
कौन देवर राम का दो दो पंडित जी दो हमारा ही मेरा सी दो हमारा गाँव मसी मावा तो मांग पत्र हमें देवांगे। अच्छा तू देवागा मांग पत्र तो आपका काम का को नहीं दिनेश है? नहीं न्यारी पंचायत न्यारे जोड़ तालाब न्यारी खेतां की जमीन सारा सारा सुद्धा न्यारा हूँ ठीक है प्रेम है गाड़े बीच को है कोई मारा दोनों का मांग आज तक आपस में कोई बैर विरोध नहीं लेकिन सिस्टम तो सारा ही है हम न तो ईसा या भतप्रिया रमेश ईसा राखी आला मतलब दिनेश है ओए गोती ओए सोरण गोत का रमेश है ओए सोरण गोत का दिनेश है हमने तो दोनों बराबर हैं। अच्छा तो किसके वोट ज्यादा जाओगे फिलहाल? रमेश के जाओगे हमारा गांव में। अच्छा ठीक धन्यवाद। और खुद राखी में तो भी लेगा रमेश हाँ। तो ज्यादा वोट है। अच्छा और जीतेगा 99% रमेश से 99% 1% रहेगा उकड़ा जगह 1% तो देखो मारे भी कैंडिडेट खड़े है दिनेश भी से एक बुढ़ाने का भी से भैनी रैथल का भी पावा का धन्यवाद तऊ राम राम किसने वोट देवा बता दे फिर वोट देवा कौन आया कौन मांगने लगे अच्छा कर विकलांग हो रहे हो? अच्छा क्या वोट आपका घर पे? वोट चार है। अच्छा ई भी लगे फैसला को नहीं कर किसने दोगे अधिकार है आपका दियो जरूर वोट में कराना राखी 100% ठीक ठीक है धन्यवाद। तो भाई इस वक्त फिलहाल राखी गांव में खड़े हैं भाई राखी गढ़ी में आपने दिखाने लग रहा हूँ ताशे खेलने लग रहे हैं फिलहाल ये ताश तो छोड़ना पसंद को नहीं करते इस वक्त एक और साथी हमारे साथ में है भाई नाम बता दे नाम तो रविंदर सेलपाड़ रविंदर सेलपाड़ नैया मद है भाई वोट बन रहा होगा ये कुछ मोल है भाई इस गांव में बात कराना है रमेश का के खास बात है रमेश में खास बात तो किसी अगर पानी मतलब सारी सुविधा का हिसाब था मना कौन करे किसी की बात वो तो टैची तो किस किस के दे गया और रुपया ही मिलके काम ठीक के कराते हैं ठीक रहते हैं दोबारा जाते बनाओगे पब्लिक बनाओगे मैं तो कौन बनानी है मैं तो सारे रमेश के जगह की भाई मैं तो मेरा मेरा बाट के जिम्मेदार कौन है। अच्छा कितने वोट है गांव में नाइयांगे होंगे 200-300 वोट 200-300 आप आपका वोट तो जाओगा रमेश का हाँ। दिनेश के कितने के जाओगे दिनेश का कुंभरा 60% दिनेश के जाएंगे 40% रमेश के जाएंगे राखी मत भी राखी मत भी और गड्डी मत बनू के बता इसका भी अच्छा ओडो का बता दिया आपका काम का बेराई गुने आपने अच्छा राखी के ठीक ठीक है धन्यवाद भाई। तो भाई इस साइड में एक और हमारे साथ खड़े हैं राम राम अंकल नाम बता दो रामीर के लगने लग रहा है दोनों गांव जो राखी की बात करा गड्डी की बात करा राखी शाहपुर और दोनों गड्डी इसकी गड्डी की बात है दोनों गांव आगे किसका के मोल है फिलहाल गड्डी वाले तो ये गड्डी वाले बताओगे भी हमें तो राखी में तो हमारे 100-150 वोट तो बेसिंग बार भी जियो दिनेश के सारे वोट दिनेश के 100-150 क्या जाओगे बार 100-150 तो ले भाईचारा है अपना अपना वोटर की अपनी मर्जी हो है यानी कि या गड़बड़ा रेके गांव में है जड़ेगा उम्मीदवार है रिश्तेदारी की दाब यारा प्यारा जीत के आने लग रहा है भतपरे तो उनका गांव में तो दिनेश है तो बता फिर ले भाई बड़ी बड़ी बात बता दी भाई अंकल ने कहा दिनेश ना अब बदपुर तो जीत के आने लग रहा है मजबूत भाई सुन लिया भाई दिनेश और रमेश दोनों सुन दे उन्हें रमेश खासकर सुनता होनी बस दिनेश जीत के आने लग रहा भतपुर में रमेश थी तो और भी ज्यादा सुनावा हमने नहीं बनाया था पाछा जो मारिये बिल्ली हमने म्याऊ लाग रही कर सही बात है बिल्कुल यानी कि पूरा बहुमत जिताओगे दिनेश ने ओ जमा जितान के जमा गांठ बांधन लाग रहे हैं यू काम हमारा काम छोड़ रखे हमने तो धर्म की बात मानी है चलो बढ़िया है धन्यवाद धन्यवाद पूरा भी वोटा है तरह रहे हैं। अच्छा वोटा हाथ और खींच की ले लो ये नाराज है जो ये खेलने लग रहे और जितने भी है इन्हें पक्ष में करो तो ये अपने भाई है नू तो इनकी भी मर्जी है इनके को से पता इनू दाब थोड़ी है ठीक बात है ये भी अपने थी खूब वोट देने लग रहे दिनेश थी ठीक ठीक चलो धन्यवाद भाई फिलहाल की बात करा तो राखी गड्डी के अंदर मौजूद थे और यहाँ मिला जुला समीकरण मिला है कुछ दिनेश के पक्ष में है कुछ ज्यादा रमेश के पक्ष में है तो के मानना है आपका पूरी वीडियो आपने देख ली है एक कमेंट के जरिए राय जरूर देवा अपनी भाई एक और रह गया मिरासी है राम राम कर दो राम राम नाम बता नाम दौड़ा मिरासी
मिरासी तो चीज कोई भी छानी नहीं आ कर दी के कुछ लागन लग रहा है ठीक लागन लग रहा है प्रोग्राम बढ़िया होगा के बढ़िया होगा किसका के मोल किसने चाण लग रही पब्लिक है बढ़िया मोल है गांव में बढ़िया जमा एक नंबर का मोल है जीत जाएगा नहीं जमा सही जीताना चाहिए गांव का है फर्ज है बाहर का प्रोग्राम है बाहर का भी सही है दले दले माम थोड़ा ही हमारे गांव वाले अच्छा और चलो बढ़िया धन्यवाद भाई सबकी राय ले ली है आप अपने निजी विचार है के मानना है आपका एक सभ्य कॉमेंट के जरिए कॉमेंट सेक्शन में राय जरूर दियो मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक राम राम जय हिंद।